गहरी खाई में रहकर उनका मुकाबला कर रहे थे। मैंने स्वयं उस क्षेत्र को देखा है। हमारा लेह लद्दाख का एक स्पेशल एनआईसी कैंप था, उस दौरान हमें द्रास और कारगिल क्षेत्र को देखने का मौका मिला, टाइगर हिल को देखा, और सचमुच उस क्षेत्र को देखकर विश्वास नहीं होता कि ऐसी जोखिम भरी स्थिति में भारतीय सेना ने दुश्मन का किस तरह से मुकाबला किया होगा और कैसे उनको मात दी होगी। और उनका ये हौसला, उनका ये जज्बा देखकर सचमुच उन्हें नमन करने का मन होता है। और द्रास क्षेत्र में जो वार हीरोज मेमोरियल है उसे देखकर और वहाँ फहराते हुए भारतीय तिरंगे को देखकर उन्हें सचमुच हमने नमन किया और दिल से, दिल की गहराइयों से उनकी इस शहादत के लिए, जिसमें 527 हमारे सैनिक जवान जो है शहीद हुए थे। और सबसे बड़ी बात कि इस युद्ध में जो सैनिक भाग ले रहे थे उनमें से अधिकतर की उम्र 30 वर्ष से कम थी, तो 1300 से अधिक इसमें घायल हुए। और उस जो वहाँ पर विजय वार हीरोज मेमोरियल बना हुआ है उसमें एक एक का नाम दर्ज है, वहाँ पे उनकी स्मृतियाँ हैं, वो पूरी विरासत वहाँ पर बनी हुई है, बहुत सुंदर ढंग से वहाँ पर उनके उस शौर्य गाथा को सहेजा हुआ है। और एक सैनिक के रूप में वहाँ पे जब हम थे तो सूबेदार मेजर थे शायद वो, उन्होंने हमें पूरी गाथा कारगिल युद्ध की सुनाई, और उनके सुनाने में जो जोश था, जो गर्व था, और जो उनकी आवाज़ में तेज था, हम सचमुच उनके कायल हो गए थे। हमने उसकी वीडियो भी बनाई थी, आज तो हमारे पास वो सुनाने और दिखाने का समय नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगा और हमें बड़ा गर्व महसूस हुआ। और सबसे ज़्यादा गर्व महसूस जब मुझे जिस बात के लिए हुआ, मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी आज के दिन, विक्रम बत्रा, कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम बहुत लिया जाता है टाइगर हिल के साथ। आपने ये दिल मांगे मोर, ये एक वाक्य सुना होगा, जहाँ अपने साथियों के साथ भारतीय तिरंगा लेकर उस टाइगर हिल पर, जिसका 5140 शायद वो चोटी है, विक्रम बत्रा ने भारतीय तिरंगा फहराया था। वह विक्रम बत्रा हमारे एनसीसी के कैडेट थे, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश चंडीगढ़ निदेशालय के चंडीगढ़ कॉलेज में पढ़ते थे, और 1994 में उन्होंने आरडी कैंप में भाग लिया था। और आरडी कैंप में भाग लेने के बाद उनके अंदर देश प्रेम की भावना बहुत ज़्यादा जगी, तो ये बात सुनकर हमारा भी सीना जो है गर्व से तन गया। और उन्होंने कहा कि उनकी नौकरी जो है वो कहीं अच्छी मर्चेंट नेवी में भी लग गई थी। उन्होंने चेन्नई उस ट्रेनिंग के लिए जाना था, 3 दिन रह गए थे, सब तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपनी माँ से कहा कि मैं सिर्फ पैसा नहीं कमाना चाहता, मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं सेना में जाना चाहता हूँ। और 3 दिन पहले उन्होंने अपना वो प्रोग्राम जो है वो कैंसिल किया और उसके बाद सेना में भर्ती हुई। और कहते हैं कि पालमपुर में, पालमपुर के रहने वाले थे, पालमपुर में जब भर्ती होने के बाद वह वापस आए, उन्होंने अपने दोस्तों को पार्टी दी, और वहाँ पर उनके दोस्तों ने उनसे मजाक किया कि तुम अपना ख्याल रखना क्योंकि अब तुम सेना में हो। तो उन्होंने कहा कि मैं तिरंगा फहराऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊँगा, लेकिन आऊँगा जरूर। तो विक्रम बत्रा की वो कहानी जो उन्होंने बहुत जैसे संवेदना से और उससे हमें सुनाई, क्योंकि हमारे हरियाणा पंजाब हिमाचल के लोग भी वहाँ थे, और हमें सुनकर जो अच्छा लगा वो मैंने आज आपसे इस विजय दिवस के अवसर पर साझा की है, क्योंकि मुझे आरडी कैंप की तैयारी करने के अवसर पर रहने का मौका मिला है रोपड़ में। तो हमारा जो भी NIAP होता है उसमें विक्रम बत्रा के बिना हम कोई काम, कोई बात जो है NCC की नहीं करते। तो ये आपके लिए बड़े गर्व का विषय है कि NCC का एक कैडेट पूरे विश्व में छा गया, और ये दिल मांगे मोर के नाम से। आज इससे ज़्यादा बात मैं इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी रिसोर्स पर्सन है, और वो हमारे साथ वो बात करेंगे क्योंकि स्वयं मेजर जनरल रहे हैं, सेना में रहे हैं, उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, और उनकी जो दिल की गहराई से जो बात निकलेगी वो हमारे लिए प्रेरणादायक भी होगी। तो मैं इससे ज़्यादा बात ना करते हुए शहीदों को एक बार पुनः श्रद्धांजलि देती हूँ, जिन्होंने इस देश की खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी। मैं आशुतोष जी, डॉक्टर आशुतोष अंगिरस जी से निवेदन करती हूँ कि अब आगे की कार्रवाई वो संभालेंगे। डॉक्टर आशुतोष अंगिरस जी। धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा आपने वक्तव्य दिया है, बहुत सुंदर आपने एक आरंभ किया है, और निश्चित ही आपने आगे की बातचीत के लिए कई ऐसे बिंदु हमारे आगे छोड़े हैं जहां से मुझे लगता है कि हम आज के मुख्य वक्ता का परिचय भी छात्रों से कराएं और छात्रों को भी इस बात के लिए प्रेरित करें कि ये जो हम इस तरह के कार्यक्रम करते हैं वो क्यों किए जाते हैं।
तो मुख्य वक्ता का परिचय कराने से पूर्व जो कैडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि इस तरह के कार्यक्रम दो कारणों से आयोजित किए जाते हैं। एक तो ये कि हम अपने इतिहास, अपनी परंपरा को अनुभव कर सकें, उसमें जो कुछ उपलब्धियां की गई हैं उसको अपने साथ समेटें, उनका भार उठाने के लिए हम अपने कंधों को सशक्त करें, लेकिन वो भार कितना है और कितनी सशक्तता आपके कंधों में चाहिए इस बात को ध्यान में रख करके एक तो कारण ये होता है जिस वजह से ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं। दूसरा कारण ये होता है कि जो अब जनरेशन है इसको भविष्य के लिए तैयार करना कि इस मिट्टी से जहां पर वो पले हैं, जहां बढ़े हुए हैं, जहां उन्होंने हर सुख सुविधा ली है कि इस मिट्टी की रक्षा करना, इस देश की रक्षा करना। और देश का मतलब कोई सिर्फ जमीन की ही रक्षा करना नहीं है, वो समाज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश केवल एक ज्योग्राफिकल कंडीशनिंग का नाम नहीं है, वो लोगों के मन में रहने वाली एक भावना का नाम भी है। तो ये दोहरी जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। दोहरी जिम्मेदारी, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि एक तो इतिहास और परंपरा का भार उठाने का सामर्थ्य आप में आए और दूसरा आगे चलकर इन मूल्यों की रक्षा करना, इसके लिए अपने जीवन को निछावर करना, इस देश के लिए, इस समाज के लिए और इस भारत भूमि के लिए अपने को तैयार करना, ये दो लक्ष्य होते हैं जब हम इस तरह के आयोजन करते हैं। आयोजन ये बहुत छोटे होते हैं लेकिन ये गहरा प्रभाव हमारे पे छोड़ के जाते हैं और ये धीरे धीरे संस्कार बनता है, एक माइंड मेकअप होता है, एक माइंडसेट बनता है। नहीं तो फिर हम भी भटक जाते हैं कि ये भारत क्या होता है और हम भी छोड़ करके भाग सकते हैं बाहर की ओर कि मैं अपनी सुख सुविधा देखूं। तो इन दो कारणों के साथ मैं आज के कार्यक्रम में मुख्य वक्ता का परिचय कराने से पूर्व मैडम ने बता ही दिया है कि कारगिल के जो हीरोज रहे हैं उसमें जो विक्रम बत्रा हैं उनकी वो लाइन एक पूरा एक टैग लाइन बन गई है, सभी के लिए वो पॉपुलर हो गई है। सलमान खान तो उसको उतना नहीं पॉपुलर कर पाए, तो उसके साथ थम्स अप के साथ जोड़ करके ये दिल मांगे मोर, लेकिन आर्मी की वजह से ये टैगलाइन इतनी पॉपुलर हो गई है कि ये एक जोश का कारण बन गया है। तो इन शब्दों के साथ मैं आप आज के मुख्य वक्ता का आप लोगों से परिचय कराना चाहूंगा। मेजर जनरल अमिल कुमार शोरी, जिन्होंने MA LLB की हुई है, वो आर्मी पोस्टल सर्विसेज में 21 वर्ष तक अपना कार्यकाल उन्होंने पूरा किया है और कमांडेंट APS सेंटर रहे हैं, फिर उसके बाद डायरेक्टर की पोस्ट पे वो रहे हैं APS हेडक्वार्टर नॉर्दर्न कमांड, फिर उन्होंने ब्रिगेडियर की पोस्ट पे APS हेडक्वार्टर वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कमांड में काम किया एज ए ब्रिगेडियर, और फाइनली उन्होंने एडिशनल DG APS जो है पदभार संभाला और उसको बखूबी निभाया। और इसके एवज में उनकी जितनी सर्विसेज रही हैं, कमेंडेबल सर्विसेज रही हैं, उससे उनको आर्मी कमांडर कमेंडेशन कार्ड जो है नॉर्दर्न कमांड की ओर से मिला है। उसके पश्चात वहां से अपना कार्यकाल पूरा करके उन्होंने पोस्टमास्टर जनरल हिमाचल प्रदेश में ज्वाइन किया था और फिर उसके बाद वो मेंबर PLI जो है वहां से वो रिटायर हुए हैं। इसके साथ साथ आर्मी पर्सन होने के साथ साथ मेजर जनरल रैंक पे होने पर भी उनकी जो रुचियां हैं वो बड़ी सुखद हैं, हम सभी के लिए प्रेरणाप्रद हैं। स्पोर्ट्स पर्सन होने के साथ साथ बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उसके साथ साथ उनकी एकेडमिक रुचियां जब आप देखते हैं तो बड़ा आपको गर्व अनुभव होता है कि 4 किताबें उनकी अब तक आ चुकी हुई हैं, जिसमें रामायण पे 2 पुस्तकें आ चुकी हैं और उसके अतिरिक्त वाई वी आर लाइक दिस इस तरह की पुस्तकें भी उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। और इसके अतिरिक्त उनके रेगुलर जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें रेगुलरली जो है उनके कॉलम्स छपते रहते हैं और नए नए विषयों पर और साथ ही साथ प्राचीन परंपरा के विषयों पर उनके आलेख जो हैं वो प्रकाशित होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त वो समय समय पर
मोटिवेशनल लेक्चर्स और एकेडमिक लेक्चर्स भी प्रदान करते हैं, विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न जगहों पर लोगों से बात करते हैं और वो लेक्चर्स भी देते हैं। और इस वक्त प्रेजेंटली ही इज अ चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग कमेटी ऑफ GGDST कॉलेज खेरी घूरना एंड ऑल्सो डायरेक्टर ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसी रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ और जीवन को भरपूर जीते हुए मेजर जनरल अमिल कुमार शोरी जो हैं वो हमारे लिए एक आदर्श रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं, जिन्होंने अपने एकेडमिक्स का, अपने प्रोफेशन का और अपनी पर्सनल लाइफ का एक बैलेंस रखा है। तो ऐसे व्यक्तियों को आमंत्रित करना एसटी कॉलेज के लिए, एसटी कॉलेज के नेशनल कैडेट कोर के लिए एक बड़े ही गर्व और सम्मान की बात है। तो मैं आप सभी लोगों की ओर से, कॉलेज की ओर से और नेशनल कैडेट कोर की ओर से उनका स्वागत करता हूं, उनका सम्मान भी करता हूं। इससे पूर्व कि मैं उनको अपना वक्तव्य आप लोगों के साथ साझा करने के लिए कहूं, मैं एक चीज आप लोगों के साथ साझी करना चाहूंगा। ये कविता, ये गीत जो है बहुत पुराना है, लगभग 40 वर्ष पुराना है, लेकिन ये मुझे हमेशा प्रेरित करता रहा है। और मैं केवल इस अवसर पर, आज के इस अवसर पर, केवल इसमें एक पैराग्राफ, जो पहला पैराग्राफ है, वो आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। क्या कभी किसी ने सुना है सूर्य छिपता तिमिर भय से, क्या कभी सरिता रुकी है बांध से वन पर्वतों से, जो न रुकते मार्ग चलते चीर कर सब संकटों को, वरण करती कीर्ति उनका तोड़ कर सब असुर दल को, ध्येय मंदिर के पथिक को कंटकों का ही सहारा, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा। आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से ये श्रद्धांजलि उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन जवानों ने, जिन बहादुरों ने इस भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, और उनके परिवारों के प्रति भी अपना विनम्र भाव ज्ञापित करता हूं आप सभी की ओर से, जिन्होंने ये साहस दिखाया कि अपने व्यक्तिगत नुकसान पर भी उन्होंने भारत माता की सेवा करने में कभी कदम पीछे नहीं हटाए। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आज के मुख्य वक्ता को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं कि वो हमारे साथ आज के इस विषय के ऊपर चर्चा करें, हमें वो बताएं कि वो समय क्या था, कैसे उस समय को जो है इंडियन आर्मी ने देखा, समझा और उस पे सारी चर्चाएं की गई। तो उसके विषय में चर्चा करने के लिए मेजर जनरल के किशोरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपना वक्तव्य हमारे साथ साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आशुतोष जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है, और आपकी वीडियो भी क्लियर है। थैंक यू वेरी मच। एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है, वो मैं दिखाना चाहूंगा, 3 या 4 स्लाइड्स हैं, लेकिन वो दिखाने से पहले मैं थोड़ा सा सभी को कुछ और बताना चाहता हूँ। कारगिल दिवस के ऊपर मुझे ये मौका मिला है आपके साथ कुछ बातें शेयर करने का। मैं नॉर्दर्न कमांड में सर्विस कर रहा था उस वक्त, और उसके बाद भी जब मैं आर्मी हेडक्वार्टर में सर्विस कर रहा था, मुझे कई बार लेह की तरफ को जाने का मौका मिला। जब आप श्रीनगर से जाते हैं लेह को बाई रोड, तो सोनामार्ग, दरास, कारगिल होते हुए लेह को एक रूट आता है। इसी तरह से एक दूसरा रूट है जहां से आप दिल्ली से या चंडीगढ़ से बाई एयर लेह चले जाएं, और फिर लेह से आप कारू निम्मू होते हुए बटालिक सेक्टर को क्रॉस करते हुए पहले कारगिल आएगा, फिर दरास होते हुए सोनामर्ग श्रीनगर आएगा। तो ले जो है एक सेंट्रल पॉइंट है, और आजकल आपने देखा है कि गलवान वैली का बहुत शोर मचा हुआ है। एक रूट है जो गलवान वैली की तरफ को चला जाता है, और एक रूट है सियाचिन ग्लेशियर की तरफ को चला जाता है।
मुझे सियाचिन ग्लेशियर तक भी जाने का मौका मिला। सियाचिन ग्लेशियर में तो ऊपर तो नहीं जा सकते, लेकिन वहाँ का जो बेस कैंप है वहाँ पर हमारा एक आउटलेट होता था, मुझे उसकी इंस्पेक्शन करने के लिए जाने का मौका मिला। तो मेरे कहने का मतलब है कि सारे एरिया को जब भी मैंने विजिट किया तो मैं ऐसे ही निकल गया, ऐसे ही नहीं निकल गया, मैं हर जगह पर रुकता रुकता गया, हर जगह पर जो है उस जगह को, उस स्पॉट को जहाँ पर उस समय पर क्या क्या घटनाएं होती थी उनको पिक्चराइज करता गया। और जब आप ब्रिगेडियर या जनरल के रैंक पर काम करते हो तो आपके साथ सबॉर्डिनेट स्टाफ भी होता है, लोकल स्टाफ भी होता है, लोकल फॉर्मेशंस के ऑफिसर्स भी होते हैं जो आपको पूरा ब्रीफिंग करते रहते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था, कहाँ पर क्या हुआ था। जो कारगिल टाउन है उसके वो नदी के इस तरफ को पूरा हमारा आर्मी का एस्टेब्लिशमेंट है, और नदी को क्रॉस करके तकरीबन को 2 या 3 किलोमीटर अगर हम जाएं तो सबसे पहले पाकिस्तान की पोस्ट आती है। तो उस पाकिस्तान की पोस्ट के बिल्कुल सामने इंडियन पोस्ट भी है, तो मैं वहां तक भी गया, तो ये सारा मेरा इलाका काफी देखा हुआ है। जैसा कि मैडम ने कहा कि इनको वहां द्रास और कारगिल जाने का मौका मिला, हो सकता है आप में से कई लोग विजिट किए हो सकता ना गए हों, लेकिन मैं आपको कारगिल का वो एक सिनेरियो आपके दिमाग में लाना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ ए फ्यू स्लाइड्स। तो मैं यहाँ पर एक जरा अपनी पीपीटी है, 3 या 4 स्लाइड्स हैं, वो मैं थोड़ा सा शेयर करता हूँ सबसे पहले। एक सेकंड, ये मैं ओपन कर रहा हूं। दिखाई दे रहा है आपको? नहीं अभी नहीं। हाँ जी, अब आएगी। आ गया, एक मैप आ गया आपके सामने। नहीं, आप सिर्फ मैप के ऊपर आपको जाना पड़ेगा। हाँ जी सर, आ गया है, आ गया आ है। गया? अच्छा, हाँ मैं जी ओके ओके ओके, ठीक है, वो मैंने पिन किया हुआ है। ओके जी ओके okay. जी जी बाकी लोग बच्चे जो है उनको भी दिखाई दे रहा होगा होपफुली मैडम, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जरा इसको देखिए, इस मैप को, ये एक ब्रॉड मैप है, मैं आपको कारगिल भी लेकर चलूंगा, लेकिन सबसे पहले उस सारे इलाके को आप थोड़ा सा समझ ले। ये आपने देखा सबसे ऊपर राइट साइड में अक्साई चिन का एरिया है जिसको चाइनीज एडमिनिस्टर्ड लिखा हुआ है, और उसी के नीचे एक ब्लैक डॉट है जहां पर क्लैश इन गलवान वैली आया हुआ है। उसके थोड़ा सा ऊपर की तरफ को सियाचिन ग्लेशियर है, और उसके थोड़ा सा लेफ्ट को अगर जाते तो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटर कश्मीर है जिसको हम POK बोलते हैं, और नीचे की तरफ को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर कश्मीर है जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का इलाका है। अब आप इस नक्शे को अपने दिमाग में बैठा कर रखिएगा स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो अक्साई चिन का एरिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशल है। अभी जो गलवान वैली में जो क्लैशेस हो रहे हैं मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि उसकी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस किस किस रिवर, किस किस रोड, किस किस के ऊपर क्या है, लेकिन अगर आप देखें कि अगर अक्साई चिन के ऊपर पूरा का पूरा अगर चाइना का कंट्रोल हो जाए तो आज वो है वो सियाचिन ग्लेशियर की बगल से जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां से होता हुआ उसने नीचे पेशावर तक एक हाईवे बना लिया है। समझ रहे होंगे बात को कि एक वो हाईवे बना चुका है, और उस हाईवे के जरिए वो अब हमारे ही इलाका जिसको POK कहा जाता है उसके ऊपर एक तरह से अवैध तरीके से ऑलरेडी कब्जा कर चुका है, और वो हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही एक जबरदस्त खतरा है। उस सारे हाईवे के ऊपर के अलावा ये जो गलवान वैली का एरिया है इसके जरिए वो कुछ और इलाकों के ऊपर एडवांस करना चाहता है ताकि जो हमारा लद्दाख का एरिया है या लेह का एरिया है उसकी तरफ भी उसकी निगाह रहे या कंट्रोल रहे। ये एक ओवरऑल सिनेरियो है। अभी मैं आज आपको POK या गलवान वैली वो नहीं बताने जा रहा, ये सिर्फ मैंने एक पहला नक्शा आपको एक ओवरऑल व्यू देने के लिए दिखाया है। आइए जरा देखते हैं अब दूसरा थोड़ा सा डिटेल में। ये मैंने अभी आपको बताया था अक्साई चिन का एरिया, इसके नीचे लद्दाख का एरिया है जहां सियाचिन ग्लेशियर आपके सामने है, और ये गिलगिट बाल्टिस्तान का वही एरिया है जहां से होता हुआ एक हाईवे उसने बना रखा है। अब आप इन्हीं ब्लैक डॉट्स को देखिए,
जहां पर कारगिल का एक रेड डॉट लगा हुआ है, इसके साथ ब्लैक डॉट्स चल रही हैं। ये ब्लैक डॉट्स जो है ये हिंदुस्तान का के की बाउंड्री को शो करती हैं, या एक किस्म से इसी के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी आती है। अब आप नक्शे को ध्यान से देखें कि ये अगर कारगिल श्रीनगर ये सारा रूट है, जैसा कि मैंने बताया था अगर आपको जाना हो तो आप बाई एयर या बाई रोड जम्मू से आप मान लीजिए श्रीनगर गए, श्रीनगर से जो है आप सोनामर्ग द्रास होते हुए कारगिल गए, और कारगिल से फिर आपको वहीं से राइट की तरफ को लेह की तरफ को सड़क आ रही है, और बीच में से जो है जो कर्व दिखाई दे रहा है वहां पर बटालिक का सारा सेक्टर आ रहा है। अब ये देखिए कि ये लेह कारगिल श्रीनगर ये रूट कितना इंपॉर्टेंट और क्रूशल है। उसी तरह से जो अक्साई चिन का एरिया है उस तरफ से चाइना गलवान वैली के थ्रू लद्दाख और लेह की तरफ को अपनी पैनी निगाह जमा कर रखा हुआ है। सो स्ट्रेटेजिकल लोकेशंस जो है इस तरह की है कि हिंदुस्तान कभी भी नहीं ये होने देगा कि चाइना और पाकिस्तान इस तरफ को आगे की तरफ को आए। ये आपको एक और एक ब्रॉड मैंने एक मैप दिखाया है, आइए थोड़ा सा मैं आपको और बताता हूं। ये देखिए ये यहां पर क्या है, मैंने ये लेफ्ट बिल्कुल लेफ्ट नीचे देखिए ये कारगिल है, ये कारगिल से ऊपर की तरफ को जो है होता है जो मैं बटालिक बोल रहा था बटालिक सेक्टर है, और फिर इस तरफ को नीचे की तरफ को जो जहां ये जम्मू एंड कश्मीर लिखा हुआ है बटालिक से सड़क जो है वो लेह की तरफ को चली जाती है। ये ऊपर जो है जहां तुरतुक लिखा हुआ, ये तुरतुक भी एक बहुत बटालिक की तरह इंपॉर्टेंट सेक्टर है, ये वही रूट है जिसकी तरफ से पाकिस्तान उस वक्त आया था, चोर बातला की तरफ से आया था, बटालिक में आया था और कारगिल की तरफ को उसने एडवांस किया था। ये ऊपर जो टॉप की लाइन है ये टॉप की लाइन लाइन ऑफ कंट्रोल को दिखाती है कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, और यहाँ जो ब्लैक स्पॉट्स लगे हुए हैं ये ब्लैक स्पॉट्स जो है हमारी इंडियन पोस्ट को बताती हैं 5287 4927 4812 ये मीटर्स में है, मतलब ये 16,000 15,000 16,500 फिट की हाइट पर यहाँ पर जो हमारी इंडियन पोस्ट है। एक और नक्शा आपको दिखाता हूं, अब ये देखिए यही फिर शुरू करते हैं, सोनामार्ग श्रीनगर से सोनामार्ग, सोनागार से मशकोश वैली से होते हुए दरास, दरास से होते कारगिल, कारगिल से बटालिक होते हुए ये ले। अब यहां पर ये देखिए टाइगर हिल, ये हिल्स जो हैं जब आप कभी उधर जाने का मौका मिले, जब आप सोनामार्ग से दरास जैसे पहुंचते हैं और दरास से कारगिल की तरफ को आप टर्न लेते हैं, आपके लेफ्ट साइड में दूर आपको ऊंची ऊंची पहाड़ियां दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। वो सारी पहाड़ियां उनके क्लस्टर ऑफ हिल्स हैं, उसमें से जो सबसे ऊंची 16,500-17,000 फीट की पहाड़ी है वो टाइगर हिल है। अब हुआ क्या, हुआ ये कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नीचे जो लाइन ऑफ कंट्रोल एक साइन बना हुआ है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल की जो ब्लैक 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 डॉट्स हैं यहां पर पेट्रोलिंग होती है। पेट्रोलिंग जो है हिंदुस्तान वाले भी करते हैं और पाकिस्तान वाले भी करते हैं, और ये ऑलरेडी आपस में शिमला एग्रीमेंट कह लीजिए या बाद में कह लीजिए एक किस्म का एक एग्रीमेंट है कि इसके ये इस तरफ को मेरा इलाका है उस तरफ को तुम्हारा इलाका है एंड दिस इज द लाइन ऑफ कंट्रोल। सर्दियों में जब वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है तो क्या हुआ, 1948 में जिस तरह से कबाइलियों की मदद ली थी पाकिस्तान ने, उसी तरह से चरवाहों की मदद से पाकिस्तान आर्मी ने अपने मिलिटेंट्स को आगे भेजना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि ये तो मिलिटेंट्स हैं, लेकिन बाद में जो है पूरा पता चला कि मिलिटेंट्स के साथ साथ आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर आर्मी के जवान फौजी जो है वो इन्वॉल्व थे। तो पेट्रोलिंग करते करते उसने उनको आगे करना शुरू कर दिया, और आगे करते करते क्या हुआ कि उसने कुछ एक जो पीक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशल हैं उनके ऊपर अपने ठिकाने बना लिए। जब कभी आपको कारगिल से पहले दरास जाने का मौका मिले, जहां मैडम ने कहा कि वहां पर वॉर मेमोरियल है, वहां पर एक दूरबीन रखी हुई है, अंदर जो है पूरा एक पावर पॉइंट के ऊपर स्लाइड शो भी दिखाते हैं जिससे यू कैन सी के टाइगर हिल कहां पर है जो सबसे ऊंची है, और आप खावो खाब में कभी सोच भी नहीं सकते कि टाइगर हिल पर कोई जा भी सकता है, लेकिन टाइगर हिल और उसके साथ ये जो खोरल है, जुबार है, तुरतुक है, ये सारी जो है जो पहाड़ियां हैं यहां पर, कोई 16,000 फीट पर है, कोई 15,000 पर है, कोई 14,500 पर है, इन सारी पहाड़ियों के ऊपर जो है उन्होंने बंकर बनाने शुरू कर दिए पीछे पीछे से आकर, पीछे पीछे से आकर बंकर बनाते बनाते पूरा कब्जा कर लिया और फायरिंग शुरू कर दी। मेरे को कारगिल जब मैं गया तो कारगिल से जब मैं सड़क पार कर रहा था
तो मुझे बताया गया कि सर ये स्पॉट्स है जहां पर उनके गोले आकर गिरा करते थे। कहां आकर गिरा करते थे? जहां पर उस हाईवे पर हमारी सारी आर्मी व्हीकल्स कॉन्वॉयस मूव किया करती थी। तो पाकिस्तान का प्लान क्या था कि टाइगर हिल के साथ, खोरल के साथ, जुबार के साथ, टुटरो के साथ, इस सारे सेक्टर से अपनी आर्टिलरी को लाकर हाईवे के ऊपर फायरिंग करके इंडियन मिलिट्री की जो है पूरी सप्लाई लेन को जो है वो बर्बाद कर दिया जाए, इनको कट ऑफ कर दिया जाए और आगे एडवांस करते हुए कारगिल के ऊपर कब्जा कर लिया जाए। ये पाकिस्तान का डिजाइन था। अब आप मैप के ऊपर देखिए, अगर वो कारगिल, ये जो कर्व दिखाई दे रहा कारगिल का, अगर वो कारगिल के ऊपर कब्जा कर लेता तो फिर उसके लिए 250 किलोमीटर दूर रह जाता श्रीनगर और 50 किलोमीटर रहता दरास, दरास से 70-75 किलोमीटर सोनमर्ग, तो फिर वो कारगिल से श्रीनगर की तरफ को चल पड़ता, फिर वो कारगिल से निम्मू कारू होते हुए लेह की तरफ को चल पड़ता, और उसको अगर वो चाइना की सपोर्ट मिल जाती तो चाइना अक्साई चिन की तरफ से दूसरे सेक्टर की तरफ से एडवांस करता। मेरे कहने का मतलब है कि एक इतना बड़ा खतरा और एक इतनी बड़ी स्ट्रेटजिक प्लानिंग थी जो ISI की थी, पाकिस्तान आर्मी की थी और चाइना की थी कि हिंदुस्तान को ऊपर से इस तरह से अपने कब्जे में ले लिया जाए। और पाकिस्तान का इंटरेस्ट J&K में है, चाइना का इंटरेस्ट लेह लद्दाख में है। दोनों ने आपस में ये स्ट्रेटजिक प्लानिंग की थी कि दोनों की तरफ हम ऐसे ऐसे एडवांस करते हुए जितना इलाका हो सकता अपने कब्जे में कर लें। खैर, ये तो उनके इरादे थे, लेकिन हिंदुस्तान ने तो ऐसा नहीं होने दिया। लड़ाई शुरू हो गई, एडवांस पार्टी चली गई और जो बेस कैंप है वहां पर, जहां ये टाइगर हिल के नीचे जो तीन एरो आपको बने दिखाई दे रहे हैं, खोरल के नीचे जो एरो बनाए देख रहे हैं, वो द्रास के ऊपर वाले एरिया, वहां तक तो ठीक था क्योंकि उस वक्त आपको ख्याल होगा बोफर्स गन जो है उसकी मार जो है वहां तक जाती थी। सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशल था कि इन पहाड़ों की चोटियों के ऊपर जो बैठे हुए हैं आप उसके ऊपर कब्जा कैसे करोगे, क्योंकि आप एक हाइट तक तो पहुंच गए, उसके बाद ऊपर जाने के लिए तो आपके पास कोई छिपने छिपाने के लिए कुछ है ही नहीं है, आपको तो खुले में जाना पड़ेगा। और जो टॉप पर बैठा हुआ है वो तो अपनी जो है AK-47 से लेकर LMG से लेकर जो है वो सेमी आर्टिलरी की फायरिंग से लेकर हर तरह का वेपन इस्तेमाल करेगा। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि 1000 से लेकर 1500 फिट की हाइट के ऊपर चढ़ते हुए जाना, जहां जो पूरा ओपन एरिया है, छोटे छोटे पत्थर हैं या बोल्डर हैं, छिपते छिपाते लेफ्ट राइट होते हुए रात के अंधेरे में सुबह 3 बजे करते कराते हमारे हिंदुस्तान की फौज ने अपनी कुर्बानी देकर वो टाइगर हिल के साथ साथ वो सारे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। मैडम ने बताया 500 के करीब जो है हमारे जवान और ऑफिसर वहां पर शहीद हुए। उनको नहीं मालूम था कि ऊपर से गोली आ रही है, उनको साफ दिखाई दे रहा था जो एडवांस पार्टी जा रही थी कि ये गोली उसको लग सकती है। लेकिन आप याद रखिएगा कि एक जो फौजी होता है उसको जो एक मिशन दिया जाता है वो उस मिशन को बिना कंप्लीट किए अचीव किए वापस नहीं आता, और हर पलटन उसकी इज्जत की बात होती है कि अगर मैं गोरखा का हूं, अगर मैं सिख का हूं, अगर मैं राजपूत का हूं या कुमाऊं का हूं, मेरी पलटन के ऊपर कोई उंगली ना उठा दे कि पलटन तेरे को टास्क दिया था टाइगर हिल को जीतने का और तेरी पलटन हार गई, इसके लिए मुझे अपनी जान से बेशक हाथ हाथ धोना पड़े लेकिन मैं अपने टास्क को पूरा करूंगा। विक्रम बत्रा और SS जितने भी बाकी सभी लोग थे उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर उन सारी चोटियों को फतह किया और फतह करके हिंदुस्तान को वापस किया। ये था कारगिल का इतिहास। और अब आप देखिए कि वहां पर 10,000 फीट के बाद ऑक्सीजन की सप्लाई इतनी कम हो जाती है, आपके ऊपर कम से कम 20-20 किलो का वेट होता है जिसको लेकर आप ऊपर चढ़ रहे होते हो, और जब आप बात कर रहे होते हो तब आपकी एनर्जी कंज्यूम होती है, चलते वक्त एनर्जी कंज्यूम होती है, फायरिंग करते वक्त एनर्जी कंज्यूम होती है, और आपके पास खाने के लिए क्या होता है, चने, शक्करपारे या थोड़ा सा पानी, इसी के सहारे आप आगे चलते हो। लेकिन वो सबसे बड़ा सहारा क्या होता है, अपने देश के लिए अपने मिशन को अचीव करने का जो पक्का मजबूत इरादा, वो अगर इरादा मजबूत हो तो ऐसे में खाना पीना प्यास जो है आदमी साइड में डालता है और उसका पहला टारगेट यही होता है कि मैं इसको जाकर अपनी फतह हासिल करूं। और इन्हीं लोगों ने शहादत देकर आज ये सारा इलाका आपके जो है हाथों में फिर वापस किया, जिसके ऊपर पाकिस्तान और चाइना की एक ग्रैंड स्ट्रेटजी बनी थी।
ये मैं एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के जरिए आपको ये बात बताना चाहता था, लेकिन मैं कुछ एक दो बातें और भी कहना चाहता हूं। क्या बात क्या है, मैं देख रहा हूं कि 40 के करीब 43 बच्चे जो लोग ज्वाइन किए हुए हैं, इनमें से 35 के करीब स्टूडेंट्स भी होंगे। आप जिंदगी में करना क्या चाहते हो? ऐसा कोई आज तक कोई शख्स है जो कहे कि मैं पैदा हुआ और मैं कभी आज तक मरा नहीं, मैं अमर हूं? पता नहीं 75 साल की उम्र है, 50 साल की उम्र है, कितनी उम्र है, किसी को कुछ नहीं मालूम, और कोरोना में तो वो भी नहीं मालूम। लेकिन आपकी जो जिंदगी है उसमें आप अचीव क्या करना चाहते हो, आप किस ऑनर के साथ अपनी लाइफ को बिताना चाहते हो, आप क्या ऐसा काम करना चाहते हो जिससे विक्रम बत्रा की तरह लोग आपको याद रखें कि एक ऐसा शख्स था। अगर आप में ये जज्बा है फिर तो आज आपका कारगिल दिवस पर मेरा प्रेजेंटेशन सुनना बिल्कुल सार्थक हो गया। भारत की फौज, मैं 21 साल रहा हूं भारत की फौज में, और 21 साल में मैंने क्या सीखा है, मैंने जो सीखा है मैं आज आपके साथ शेयर करता हूं। जिंदगी में कभी किसी चीज से डरना नहीं, सच्चाई के रास्ते पर चलना, ईमानदारी के रास्ते पर चलना, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आपको हो सकता है थोड़ी बहुत तकलीफ हो, थोड़ी बहुत परेशानी हो, लेकिन लॉन्ग रन में आपकी जो इज्जत में क्रेडिबिलिटी बढ़ती है उसका कोई मुकाबला नहीं है, और आप अपने एम को हमेशा अचीव ही करके आओगे। इसलिए कभी भी जिंदगी में किसी चीज से डरना नहीं, हिम्मत नहीं हारना। दूसरी चीज, डिसिप्लिन। अभी जैसे बात कर रहे थे कि 11 बज गए हैं, 11:01 या 11:02 पर ये फंक्शन शुरू करेंगे, डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन का मतलब ये है कि जिस चीज का समय है उस चीज को समय के अनुसार करना। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। 27 माउंटेन डे कैलिंगपोंग में मेरी पोस्टिंग थी, और आर्मी हेडक्वार्टर को छोड़कर बाकी सब जगह जो वर्किंग आवर्स ऑफिस के होते हैं वो 8 बजे से लेकर 1:30 बजे, किसी जगह 8 से 1:30 होते हैं, किसी जगह 8:30 से 2 बजे तक होते हैं। तो वहां पर 8 बजे से 1:30 बजे तक ऑफिस के वर्किंग आवर्स होते थे। तो 6:45 बजे मेरे को वहां से घर से निकल जाना है सुबह पीटी परेड के लिए। अब 6:45 बजे जो पीटी परेड के लिए जाना है तो शेव करके जाना है, फ्रेश होकर जाना है, इसका मतलब 5 बजे उठना पड़ेगा। 5 बजे उठूंगा, 6:45 बजे घर से निकलूंगा, 10 मिनट में वहां पर पहुंचूंगा, और पीटी परेड शुरू होने से 3 मिनट पहले मैं वहां पर जो है बिल्कुल हाजिर हो गया। और अगर मैं एज ऑफिसर हाजिर नहीं हुआ तो मेरा सूबेदार, मेरा नायक, मेरा हवलदार, मेरा जवान कैसे हाजिर होगा? अगर मैं चाहता हूं कि वो पीटी परेड करें तो आई शुड बी देयर बिफोर देम। और उसके बाद वापस आए 6:30-7:30 बजे तक, ब्रेकफास्ट करके गए, 8:00 से 1:30 बजे तक जो ऑफिस है वो किया, और उसके बाद खाना खाकर आकर रेस्ट कर किया। 3:30 बजे, बिल्कुल 3:30 बजे 3:35 के करीब उठकर चाय पी और पीटी ड्रेस पहनकर ग्राउंड की तरफ को निकल गया, क्योंकि 4:00 से लेकर 5:00 बजे तक गेम खेलना एक किस्म का कंपलसरी था। वो कभी हम अपनी गेम्स भी खेलते थे ऑफिसर्स वाली, बैडमिंटन या स्क्वाश या टेनिस, और कभी हफ्ते में 1 या 2 बार जवानों के साथ वॉलीबॉल या फुटबॉल भी खेलते थे। शाम को आए, शाम को अपने ऑफिस में गए पीटी से वापस आते वक्त, और ऑफिस में आकर देखा कोई इंपॉर्टेंट सिग्नल तो नहीं है, कोई मैसेज तो नहीं है, कुछ वो तो नहीं है, और करते हुए वापस घर आए, और रात को जो है हफ्ते में 1 बार या जब भी हुआ मेस में पार्टी जो है वो किया। कहने का मतलब क्या है, हर चीज का एक समय है। पीटी के टाइम पीटी, ऑफिस के टाइम ऑफिस, खेल के टाइम खेल, और पार्टी के टाइम पार्टी। आप अपनी जिंदगी में इस तरह का डिसिप्लिन लेकर आओ, सब कुछ करो। डॉक्टर आशुतोष को मालूम है मैं आज भी हफ्ते में 3 दिन खेलने जाता हूं, मैं 3 बार कॉलेज भी जाता हूं, मैं आर्टिकल्स भी लिखता हूं, मैं वेबिनार भी करता हूं, क्योंकि हर चीज का एक समय है। और फौज यही चीज सिखाती है कि लोगों को अपना समय वेस्ट करने मत दो, आप समय को अपने काबू में करो। तो ये जो कारगिल विजय पर मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि आर्मी क्या है, इंडियन आर्मी, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, अब मुंह से वर्ड आर्मी निकलता है, इंडियन आर्मी इज ए वे ऑफ लाइफ। आप जब फौज में कुछ समय बिताते हो तो आपकी जिंदगी बदल जाती है, आपकी सोच बदल जाती है, आपके सामने अपना लाइफ का एम और गोल बिल्कुल क्लियर हो जाता है, एंड स्पेशली नाउडेज फाइनेंशियली आल्सो यू आर वेल टेकन केयर ऑफ, योर पे एंड अलाउंसेस आर आल्सो वेरी लुक्रेटिव इन कंपैरिजन टू एनी प्राइवेट सेक्टर। आज तो बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर जो है वो बंद हो चुके हैं, तो फाइनेंशियली यू आर लुक्ड आफ्टर,
योर लाइफस्टाइल चेंजेस एंड यू आर डूइंग समथिंग टू अचीव। तो यही कहते हुए कि आज के दिन हम उन शहीदों को याद भी करें और साथ साथ उनसे कुछ सबक भी लें कि उनसे क्या सीखा हमने। हमने अपनी जिंदगी में ना किसी से डरना सीखा है, ना किसी से घबराना सीखा है, और अपनी जिंदगी को एक एम के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ जीना सीखा है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत ही मोटिवेशनल बात आपने हमारे साथ साझी की है, बहुत ही खूबसूरत बात आपने हमारे साथ जो कुछ शेयर किए हैं अपने अनुभव, वो बाकी हमारे लिए बहुत ही प्रशंसा के योग्य है, हमारे लिए एक उपलब्धि है। और मैं देख रहा था कि हमारे बहुत सारे कैडेट्स जो हैं एकदम उनमें एक जोश आ गया है आपकी सारी बात सुन करके, और निश्चित ही मैं समझता हूँ कि ये छोटा सा कार्यक्रम, जैसे कि मैंने शुरू में आपसे एक बात कही थी कि आप सभी कैडेट्स के साथ मैंने ये बात शेयर की थी कि ये जो कार्यक्रम होते हैं ये दो कारणों से आयोजित किए जाते हैं। एक तो ये कि हम अपने इतिहास को समझें, और इतिहास का मतलब केवल वो नहीं है कि हमने केवल घटनाओं को हमने जान लिया, उन घटनाओं का स्वरूप क्या रहा है ये भी। जनरल साहब ने जितनी हमें व्यापक दृष्टि से ये बात बताई है और जितनी ये गंभीर स्थिति थी उसको आज समझकर आपको लगेगा कि ये वाकई जो शहादतें दी गई हैं, जो अपने बलिदान दिए हैं हमारे जवानों ने, वो बड़े ही मूल्यवान हैं। अगर ये बलिदान नहीं होते, अगर ये विजय हासिल ना होती, तो आज हम भारत का कुछ भाग शायद खो ही देते। तो केवल इतिहास को इतिहास में समझें, इतिहास को व्यापक दृष्टि से लें तो घटनाओं की समझ भी आए, और दूसरी तरफ जो है हमारे संस्कार ऐसे बने कि हम इस देश के लिए जीना सीखें, इस समाज के लिए जीना सीखें। आप तो जी ही रहे हैं, आपको ये समाज सपोर्ट करता है, करेगा, सरकार भी सपोर्ट करेगी, सारी व्यवस्था सपोर्ट करेगी, लेकिन फिर उसके बदले में हमने इस समाज को देना क्या है, इस देश को देना क्या है? अगर ये हमारे पास नहीं है तो फिर पशु के जीवन में और मनुष्य के जीवन में क्या अंतर है? तो जनरल साहब का मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से हमारे लिए समय निकाला, और मैं खुद अपने आप को बड़ा उत्साहित उनके भाषण के बाद अनुभव कर रहा हूं कि कितनी यथार्थ परक बातें और सीधी और साफ और सच्ची बात उन्होंने हमारे साथ साझी की है। ये हमारे लिए बहुत ही जो है उत्साहवर्धक रही हैं, और हम उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। और ये संक्षिप्त सा जो कार्यक्रम है, इसके आखिरी चरण में जो हमारी सीनियर अंडर ऑफिसर सिमरन है वो ओवरटेकिंग करेंगे, और उसके बाद जो है वो हम इस आज के कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सीनियर अंडर ऑफिसर सिमरन को कि वो सभी कुछ बच्चे अपनी जो है वो वीडियो ऑन कर लेंगे, ये हम जब प्लेज लेंगे जी, है ना, और ट्विंकल है, नेहा है, हमारे भी कुछ कैडेट हैं, वो अपनी कुछ बच्चे इसमें अपनी वीडियो ऑन करेंगे और अपनी ये शपथ जो है सिमरन के साथ साथ लेंगे, सिमरन भी अपनी वीडियो ऑन करेंगी। इतना बस मुझे कहना था। जी जी, आप सभी अपनी वीडियो ऑन कर लें तो अच्छा ही रहेगा। जल्दी से इसको हम कार्यक्रम को स्क्रीन शेयर नहीं करेंगे आप लोग, आप में से कोई भी? सर आप प्लेज वाली स्क्रीन आप शेयर कर दीजिए फिर। हाँ जी, मैं वही कर रहा था। या सिमरन भी कर सकती है सर, सिमरन के पास भी है। अगर सिमरन है तो सिमरन शेयर। सिमरन आप सुन रहे हैं आप सिमरन? यस मैम। हाँ, तो अपनी स्क्रीन आप शेयर कर लीजिए, प्लेज वाली जो आपके पास होगी आपके पास है, और बोल दीजिए उसको। हाँ जी, नहीं है तो मैं करूँ, अगर टाइम लगेगा तो सर आप कर दीजिए। ओके, मैं अपनी ऑन कर देती हूँ। जी जी जी, कोई नहीं, मैं कर रहा हूँ।
जी नाउ यू कैन कंटिन्यू सिमरन। अभिषेक अपना ऑफ कीजिए, सिर्फ सिमरन का माइक अनम्यूट होगा। जी सभी कैडेट्स ध्यान दें, आप वीडियो ऑन कीजिए लेकिन माइक नहीं आपने ऑन करना, सिर्फ सिमरन का माइक ऑन होगा। सिमरन बोलिए आप। भारत हमारा देश है, मेरे पीछे रिपीट करिए, भारत हमारा देश है, भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई हैं, हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है, हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है, प्यारा है, इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर, इसकी समृद्धि समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है, हमें गर्व है, हम इसके सुयोग्य अधिकारी बनने का, हम इसके सुयोग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न करते रहेंगे, हम अपने माता पिता शिक्षकों और गुरुजनों का आदर करेंगे और सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करेंगे, हम अपने देश और देशवासियों के प्रति, हम अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, उनके कल्याण और जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय जय धन्यवाद। ये प्रतिक्रिया बहुत आवश्यक थी क्योंकि को अनुभव करना, इस सारे भाव को और विचार को अब हम सभी लोग जो हैं इसको अपने जीवन में और अपने व्यवहार में उतारने का प्रयास करें, इसीलिए ये प्रतिज्ञा की गई है। और प्रतिज्ञा का मतलब केवल मात्र इतना ही है कि हम अपने आदर्शों को समझें, जानें और उसके बारे में स्पष्ट हों। ये बार बार बातें इसलिए दोहराई जाती हैं क्योंकि समय के साथ हमारे ऊपर जो धूली जम जाती है वो धूली ना जमे, उसको हम हटाएं और फिर नए सिरे से जो तैयार होकर के हम अपने कार्यों में अग्रसर हों। तो आज के इन्हीं सब सर, हाँ, एक बार वीडियो ऑन करके कुछ बच्चों की क्लिप ले लीजिएगा, बाकी अगर आपके पास आ गई तो बढ़िया है। मैंने स्क्रीनशॉट वैसे ले लिया है, लेकिन अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं तो आप सभी वीडियो ऑन कर लीजिए, जनरल साहब के साथ एक हम सभी का एक स्क्रीनशॉट आ जाएगा। माइक नहीं ऑन कीजिएगा लेकिन स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आप वीडियो ऑन कर लीजिए एक बार, जो भी कैडेट्स जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, आप भी वैशाली कुजीत, ये हमारे साथ देश समाज कॉलेज भी जुड़ा हुआ है, उन सबका भी हम धन्यवाद करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। रीना मैम भी वहां से जुड़े हैं, तो कैडेट्स को भी कहते हैं अपनी वीडियो ऑन कर लेंगे। आप सभी कर लीजिए, सभी का आ जाएगा स्क्रीनशॉट। एक सेकंड और रुके, एक मैं स्क्रीनशॉट और ले लूं। एक सेकंड जी, चलिए
बढ़िया हो गया, ठीक हो गया। और इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबके प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी जुड़े, और विशेष रूप से मैं कॉलेज की ओर से और देव समाज कॉलेज की ओर से आभार व्यक्त करता हूं मेजर जनरल अमिल कुमार शौरी जी का, कि जिन्होंने बहुत सीधे, सटीक और संक्षिप्त तरीके से हमें वो बातें बताई हैं जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं था, और जिस तरह से वो मैप्स दिखा करके, मैप्स देखे और हमें वो महत्व सारा समझ में आया है, उससे हमारे वीरों की बलिदान देने की जो बातें हैं उनका महत्व और भी हमारे लिए बढ़ गया है। तो मैं उनके आप सभी की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना समय दिया, और आप सबके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग इस छोटे से संक्षिप्त से कार्यक्रम में जुड़े, लेकिन ये अनिवार्य था, आवश्यक था, और हम सभी के लिए बहुत प्रेरणा से भरपूर था। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और विशेष रूप से मैडम विजय शर्मा जी का कि जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, धन्यवाद, थैंक यू, एंड थैंक यू एवरीवन। आप सभी लोग जो है अब मीटिंग छोड़ सकते हैं।